देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं हूं दिनेश बोरा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवंश को लेकर राजस्थान के कई साधु संतों के साथ ही गो भक्त हैं वो सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर चुके हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 7-8 दिन से लगातार। इनकी मांग है कि जिस तरीके से गोवंश बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जिस तरीके से मर रहा है उनको बचाने के लिए सरकार आ गया है। ये लोग 7 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अशोक गहलोत सरकार की ओर से कुछ राहत की घोषणा हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग प्रदर्शन कर आज भी कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। पिछले 7 दिन से लगातार साधु संतों के साथ गोभक्त गोवंश को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर में। 20 लाख से आसपास गोवंश है और इनका ये आरोप है कि सरकार इन सब चीज़ों को लेकर गोवंश की रक्षा नहीं कर रही, चारे पानी का अरेंजमेंट नहीं कर रही है। महाराज जी, आज तो गहलोत सरकार ने ये घोषणा भी कर दी कि एक विशेष पैकेज जारी होगा, उसके बावजूद भी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? केवल घोषणा ही है और उसको लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। जब तक कि क्रियान्विति नहीं होगी तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। गाय के मुंह में पैसे नहीं, चारा चाहिए और वो चारा जाना चाहिए। जो नारे आम जनता के आप सुन रहे हो, भूखी गाय करे पुकार, चारा पानी की करे सरकार व्यवस्था, बस हम यही कहते हैं कि चारे पानी की तुरंत गाय के पास व्यवस्था पहुँचनी चाहिए और कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। गाय का चिंतन करे, सबसे पहले भूखी गाय को चारा पानी दे दे। प्रतापपुरी जी, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, इनकी ये भी मांग है कि मोदी सरकार ने जो 2015 में नियम किया था उसको भी बदलाव किया जाए, उसको लेकर भी आपने कोई बातचीत की है? निश्चय ही हमारा शिष्टमंडल मिलकर के इनको अवगत कराएगा और साधु के नाते हम पार्टी से नहीं गो से पहले जुड़े हुए हैं और गाय के लिए हम तत्पर हैं और उनको भी सचेत करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको लगता है संशोधन करना चाहिए वहाँ त्वरित संशोधन करना चाहिए। सर आप बताइए किस तरीके की स्थिति है इस वक्त? बहुत ही भयानक स्थिति है, गोवंश निरंतर मरता ही जा रहा है। आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा जगह जगह से जो फोटोज वगैरह आ रहे हैं या लोगों की जो व्यथा आ रही है, लोगों के जो विचार आ रहे हैं, और हम तो निरंतर यहाँ बैठे ही इस बात को बता रहे हैं कि गोवंश प्रतिक्षण मर रहा है, दिन नहीं प्रतिक्षण गोवंश की जो है मृत्यु हो रही है। सरकार केवल कागजों में घोषणा नहीं करे, अविलंब चारा भूखी गाय को कैसे मिले और उसके प्राण कैसे बचे उसके लिए प्रयास करना चाहिए और हमको आके दिखाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, या हमसे सलाह भी मांग सकती है सरकार कि हम आपके साथ रह करके ये सब काम करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, तो हम उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। सर आपके पास कोई मैसेज है क्या? गहलोत सरकार ने अनाउंसमेंट किया, इसका कोई मैसेज आया? कोई मैसेज नहीं आया, केवल अखबार में खबर पड़ी है। अच्छा, तो अब आपकी किससे मांगे, गहलोत सरकार से मांगे या मोदी सरकार से? तत्काल हम गहलोत सरकार से ही मांग करते हैं कि आपकी राज्य में सरकार है और तत्काल गोवंश को प्राण संधारण के लिए आप सहायता राशि प्रदान करें और अविलंब चारे पानी की व्यवस्था हो। 7 दिन हो गए लगातार, उसके बावजूद कुछ हुआ है? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, केवल आज अखबार में न्यूज बन गई कि हमने बाड़मेर जैसलमेर के लिए 30 करोड़ रुपए की विशेष व्यवस्था की है। क्या करेंगे आगे आप? जब तक चारे पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये थे साधु संत जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये घोषणा हुई है वो महज एक अखबारों में हुई है, इनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है, जब तक गाय के मुंह में चारा नहीं जाएगा तब तक ये लोग यूं ही डटे रहेंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर।